गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी हो रहा है मॉर्निंग की 5:30 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। तो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, उसको मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी आ गई हूँ आस्था को उठाने के लिए, क्योंकि अभी उसका स्कूल का टाइम हो चुका है। तो उसको 8:00 जाना होता है, 7:00 मैं उसको उठाती हूँ। तो बस वो अभी उठना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी मामा आज मुझे एब्सेंट, मैंने अभी तक एब्सेंट नहीं किया है स्कूल में, मुझे एब्सेंट करना है। बट बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा है भी नहीं कि उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, बिकॉज़ उसके स्कूल से नोटिस आया था। इस बार वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट कर गई थी, उसका तबीयत ख़राब हो गया था, तो बस वो किसी तरीके से उठ तो गई। फिर वो चली गई ब्रश करने के लिए, और यहाँ पे वो ब्रश कर रही है फेस बना बना के, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना था। और ब्रश करवाने के बाद मैंने उसे ब्रेकफास्ट करवा दिया था, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई। आस्था को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं यहाँ पे उसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। उसमें है पूरी और योगर्ट, और एक छोटा सा उसमें मैंने कुकी डाला था, उसके बाद मैं इसे पैक कर रही हूँ। उसके साथ मैं डालूँगी ऑर्गेनिक ग्रेप्स फ्लेवर वाला जूस, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है बिकॉज उसमें शुगर नहीं होता है। उसके बाद मैं फ्रूट स्नैक्स का एक पैकेट उसमें डालूंगी बिकॉज उसका ये फेवरेट है। तो बस उसका लंच बॉक्स बैग मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब बारी आती है स्नैक्स की, उसके लिए मैंने लिया एक ज़िपलॉक बैग और उसमें डाला उसका फेवरेट ऑरेंज फ्लेवर योगर्ट विद चीज़ सैंडविच। तो क्योंकि स्नैक्स उसका 5 मिनट्स का होता है, और अब मैं उसका बैकपैक रेडी कर रही हूँ। उसमें मैंने डाला उसका फोल्डर, और आज लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बुक, तो और उसका मैं वाटर बॉटल भूल गई थी, तो मैं उसका वाटर बॉटल अभी यहाँ पे डाल रही हूँ। तो बस इस तरीके से उसका मैं लंच बॉक्स बैग और बैकपैक रेडी कर देती हूँ, स्कूल बैग। तो अब वो जा रही है ड्रेस चेंज करने के लिए। उसके बाद ये है संकेत का लंच बॉक्स बैग, और यहाँ पे एक छोटा सा लंच बॉक्स है जिसमें मैंने एप्पल कट करके डाल दिया, और लंच में है भिंडी गोभी फ्राई, और उसके साथ सैलेड और रोटी, और ये है पनीर का सब्जी। तो मैं यहाँ पे संकेत का लंच बॉक्स बैग पैक कर रही हूँ अभी। तो उसमें मैंने डाला स्पून लंच बॉक्स में, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पनीर की सब्जी, और मैंने एक फोक भी डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है एप्पल वाला बॉक्स, और एक है नट बार, जो कि कभी उनको लेट हो जाता है तो वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से उनका लंच बॉक्स बैग रेडी हो गया है। उसके बाद ये है उनका वाटर बॉटल, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया एवोकाडो सैंडविच, और थोड़ा सा उसमें मैंने दिया है पीनट और वॉलनट। और यहाँ पे आस्था बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस उसका हेयर कॉम करना है, और वो आज बिल्कुल भी स्कूल जाने के मूड में नहीं थी, तो मैं थोड़ा उसके साथ मस्ती कर रही थी। उसको पता था कि मम्मा वीडियो शूट कर रही है, तो बस इस तरीके से मैं उसके साथ मस्ती करते करते उसका हेयर कॉम कर दूंगी। और आस्था बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं ले रही थी, तो मेरे लिए आज बहुत ही अच्छा टाइम था कि मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। तो और यहाँ पे आस्था का बेड बन गया है, और वो बाय कर रही है लास्ट में, आप देख ही सकते हैं। तो बस यहाँ अब वो अपना जैकेट पहन रही है, और जल्दी जल्दी वो अपना बूट और ग्लव्स पहनेगी बिकॉज़ आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। यहाँ पे संकेत ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने उसका स्नो पैंट नहीं डाला है, तो मैं अभी उसका स्नो पैंट यहाँ पे डाल रही हूँ। ये है उसका स्नो पैंट। तो बस वो अभी बाहर आ गई है, और संकेत उसे जा रहे हैं बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए। मुझे जाना था बट संकेत का मीटिंग कैंसिल हो गया, तो वो जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। उसके बाद आस्था को छोड़ने के बाद मैं ऊपर आ गई बेडरूम में, और यहाँ पे अमू अपने फेवरेट जेजे के साथ सो रही है। उसको कोकोमेलन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बता नहीं सकती हूँ, और उसने नाइट ड्रेस भी कोकोमेलन का ही पहना, आपको दिख रहा होगा। और उसका एक बैड हैबिट है, वो थम्सअप करती है, बट उसका मैं अभी तक मुझे पता नहीं चला कैसे छुड़वाएं। और सोते हुए बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पे उसका मिल्क रेडी करके ले आई हूँ। वो जब भी सोती है ना तो उसको मिल्क इसी बॉटल में चाहिए होता है, अदरवाइज वो ग्लास में। और ये यहाँ आप देख रहे हैं वो कितनी नींद में और कैसे वो मिल्क पी रही है। और मिल्क पीने के बाद वो हो गई चार्ज और उठ के वो ब्रश करने के लिए आ गई। और इसका जो टूथपेस्ट और ब्रश है वो भी कोको मेलन का ही है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ब्रश को क्लीन करना है। गुड जॉब। सो ये है उसका कोको मेलन का टूथपेस्ट और ये है कोको मेलन का ब्रश। और यहाँ तक कि इसका बॉडी ट्रेनिंग स्लीप जो होता है ना वो भी इसने कोको मेलन का ही लिया है, बता दो। तो अभी मैं इसको करवाती हूँ ब्रश। तो यहाँ पे अभी कोको मेलन करेगा। बाय, सॉरी नॉट कोको मेलन, इट्स जीजी। बाय। तो अभी मैं इसको साइड में रखने जा रही हूँ। अमु को ब्रश करवाने के बाद मैंने संकेत के लिए चाय बनाया, वो मीटिंग में थे और ये सेकेंड टाइम चाय हो रहा है। उसके बाद वो जाएंगे ऑफिस, तो बस वो अभी चाय पीने के बाद ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। और अमु यहाँ पे विंडो पे आ गई है पापा को बाय करने के लिए। ये भी उसका फेवरेट काम है कि पापा को बाय करना है। तो बस उसको मैं ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और ब्रेकफास्ट में मैं जो मैंने संकेत को लंच में दिया था वही इसका ब्रेकफास्ट था। बस ये था कि मैं उसको योगर्ट के साथ दे रही थी, लास्ट में इसने इसको रिजेक्ट कर दिया और वो योगर्ट और रोटी खाई। उसके बाद उस ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में मैंने डिशवॉशर में सारे बर्तन को लगाया। ये आप देख सकते हैं मैंने डिशवॉशर में सारे बर्तन को लगा रखा है। उसके बाद मैं डिशवॉशर का लिक्विड डाल के मैं इसको ऑन कर दूंगी। और मैंने बाय मिस्टेक ये जो रेक्टेंगल शेप में छोटा सा बना है ना बॉक्स, उसमें मैंने डाल दिया था वो लिक्विड। तो बस मैं यहाँ पे डिशवॉशर ऑन कर रही हूँ और उसके बाद ये मेरे सारे जो भी बर्तन हैं वो साफ़ धुलते रहेंगे। और यहाँ पे अमू का फेवरेट काम रूम को मैस करना स्टार्ट हो चुका है। वो इस बॉक्स में मैं उसके सारे टॉयज़ रख देती हूँ और जब वो खुद ही क्लीन अप कर लेती है जब वो गंदा करती है। और जब तक ये खेलेगी मैं उसके लिए बनाऊँगी मैंगो शेक। यहाँ पे उसका मैंगो शेक रेडी हो चुका है और मैं जा रही हूँ उसको मैंगो शेक देने के लिए। और मैंगो शेक देने के बाद जब तक वो अपना मैंगो शेक पिएगी मैं आप सबके साथ थोड़ी सी बातें करूँगी। पसंद आएगा क्योंकि मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और दो बच्चों के साथ, वो भी छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए भी अलग लंच और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए भी अलग लंच और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो थोड़ा टाइम मिल नहीं पाता है अच्छे से शूट करने का। बट मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। मुझे पता है मैं बोलने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हूँ, बट जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें अपना मिस्टेक पता कैसे चलेगा। तो मैं आज से रेगुलर ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरे इस फेस को बिल्कुल भी इग्नोर किया जाए विदाउट मेकअप वाले फेस को, क्योंकि मॉर्निंग में सबका हालत ऐसा ही होता है। मैंने अभी तक फेस वॉश भी नहीं किया है और अभी 11:30 हो रहे हैं मॉर्निंग, सॉरी अभी आफ्टरनून होने जा रहा, अभी तो 11:30 मॉर्निंग ही होता है। तो यही सिंपल मेरा होता है, मुझे आप कभी भी उतना ज़्यादा मेकअप में नहीं देखेंगे। बट जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तो करती हूँ, इवन अभी मैंने लिप बाम भी नहीं लगाया है।